हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशा। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो इंडियन एयरफोर्स और नेवी में हर बार पूछा जाता है 3D से। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। हमें दो इक्वेशन ऑफ प्लेन्स दी होंगी और उनसे हमें उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को ट्रिक की सहायता से भी करेंगे और हम इस लॉन्ग मेथड से भी करेंगे और ट्रिक की सहायता से भी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड 2x माइनस 2y प्लस 2z प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो हमारे पास गिवन ये इक्वेशन है, ठीक है। तो हमारे पास 2x माइनस 2y प्लस 2z प्लस वन, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। देन थीटा हमारे पास जो एंगल है उनके बीच में, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू मॉड, कि हमें पॉजिटिव में चाहिए होती है इसका एंगल, ठीक है। तो रूट ऑफ ए वन का स्क्वेयर प्लस बी वन का स्क्वेयर प्लस सी वन का स्क्वेयर रूट ऑफ ए टू का स्क्वेयर बी टू का स्क्वेयर प्लस सी टू का स्क्वेयर, ठीक है। तो हमारे पास हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। अब आप सोचेंगे कि ए वन ए टू क्या है, ठीक है। तो ए वन हमारे पास कॉफिशेंट है x का और ए टू है इस टू सेकेंड प्लेन का, ठीक है। और यहाँ पे बी वन और ये बी टू कॉफिशेंट जो एक्स वाई के, ठीक है। और ये सी वन हमारे पास z का है वन और z का यहाँ पे है टू, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनका रूट निकालेंगे स्क्वेयर करके, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व किया, टू माइनस टू प्लस टू, ठीक है। टू से टू कैंसिल तो टू बचा, टू अपॉन रूट थ्रू रूट थ्री तो इंटू रूट ट्वेल्व, ठीक है। रूट ट्वेल्व हम इसको खोलेंगे, ठीक है। तो टू रूट थ्री आएगा, ठीक है। टू से टू कैंसिल आउट और रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना होता है, थ्री होता है, ठीक है। तो वन अपॉन थ्री, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री हमारे पास आंसर आया, ठीक है। ये तो था हमारा लॉन्ग मेथड, ठीक है। अब हम इसको करेंगे शॉर्ट मेथड से, बहुत ईजी है और इसको कम से कम यहाँ अगर हम इस ऐसे क्वेश्चन करेंगे लॉन्ग मेथड से तो हमको कम से कम कोई एक या डेढ़ मिनट लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत लॉन्ग मेथड है, ठीक है। हम इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे, बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो अब हमारे पास है शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। तो हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन्स लिख ली, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना होगा, ठीक है, बिल्कुल ओनली 10 सेकंड का खेल, ठीक है, ठीक है। एक्स का कॉफिशेंट पता है ए वन होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसके कॉफिशेंट से इसके कॉफिशेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो वन इंटू टू टू आ गया, ठीक है। और वन इंटू माइनस टू, ठीक है, तो माइनस टू होगा, ठीक है, ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है। वन इंटू टू, ठीक है, तो टू हो गया, ठीक है, ऐड कर दिया, हो गया। हमने जो जो हमारे पास वेरिएबल है उनके कॉफिशेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और सिंपली ऐड करना है, ठीक है, और उसको ऊपर लिख देना है न्यूमरेटर में, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हमें जो एक्स वाई जेड के जो कॉफिशेंट थे उनका रूट लेना है विद स्क्वेयरिंग, स्क्वेयर करके, ठीक है, स्क्वेयर करके, ठीक है, ले लिया। और यहाँ पे भी जो टू का स्क्वेयर है माइनस टू का स्क्वेयर प्लस टू का स्क्वेयर, ठीक है, यहाँ पे वन का स्क्वेयर वन का स्क्वेयर वन का स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रूट थ्री और ये टू का स्क्वेयर फोर 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 माइनस टू का स्क्वेयर कितना होता है, फोर होता है, ठीक है। तो फोर फोर एट एट फोर ट्वेल्व, ठीक है। तो रूट ट्वेल्व, रूट ट्वेल्व को टू रूट थ्री लिखा, ठीक है। टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, ठीक है। तो टू से टू कैंसिल आउट एंड रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, ठीक है। तो वन अपॉन थ्री, ठीक है। तो हमारे पास कॉस थीटा आ गया वन अपॉन थ्री, इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री, ठीक है। तो ये वेरी इजी था। तो इस ट्रिक की सहायता से हम बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हर बार नेवी और एयरफोर्स में पूछा जाता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर किसी चीज़ का पता नहीं लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।